हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज समरसेबिल के पंप की फिटिंग करूंगा, तो मैं आज आपको दिखाता हूं कि पंप को कैसे ओपन करना है और उसकी कैसे फिटिंग करती है, और उसकी आज मैं टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने मोटर की फिटिंग करके आपको दिखाई, और ये पंप की अभी फिटिंग मैं करूंगा। तो पंप में क्या क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये इसमें कितना प्ले आ गया है, और इसकी कपलिंग यहां से भी ख़राब हो चुकी है। तो कपलिंग की आप हालत देख सकते हैं, कपलिंग पूरी तरह से ख़राब है, और कपलिंग रॉड में लॉक ही रहती है। तो रॉड भी चेंज होगा और कपलिंग भी चेंज होगा, और इसके अंदर के ये बूस हैं और स्लिप हैं और इंपेलर हैं, इनलेट सेक्शन इनलेट है, ये सब कुछ चेंज होगा। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्ले है। यहाँ पे एक लोहे रबड़ की बूस लगती है, वो भी लगेगा। तो चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कि पंप को कैसे ओपन करना है और इसकी फिटिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 4 बोल्ट एलंकी के लगे हुए हैं, इसे खोला जाएगा। ये है एलंकी, इसी से इसको खोला जाएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत टाइट है इसलिए मैं आपको दोनों एक चीज़ साथ एक साथ नहीं दिखा सकता, इसलिए पहले मैं इसे ढीला कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोल्ट को ढीला मैंने कर लिया है। अब इसे मैं एक हाथ से भी खोल सकता हूँ, और मुझे एक हाथ में मोबाइल लेना है, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कुछ कुछ टॉपिक को मैं दिखा नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से इसको पहले पेच को खोल लिया जाता है, और पेच को आपको पूरी तरह से ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह की वजह से जंग इसमें इतना लग जाता है चारों तरफ कि पेच आसानी से निकल नहीं पाते हैं। नहीं तो 10 चूड़ी पे ही कसी रहती है लगभग। नट की साइज़ आप जान रहे होंगे कि कितना चौड़ा, बहुत ज़्यादा मोटाई नट की नहीं होती है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसके कनेक्टिंग को अलग कर लिया गया है, और कनेक्टिंग के अलग करने के बाद इसमें रबड़ का बूस जो लगा वो पूरी तरह से ख़राब है। और ये देखिए, ये सब इनलेट सेक्शन वगैरह ये सब बदला जाएगा। इंपेलर की भी हालत आप देख रहे होंगे, प्लास्टिक की दोस्तों इंपेलर लगती है। तो आपको इस तरह से पहले इसको निकाल लेना है किसी रॉड की सहायता से, इस तरह से इस पर आगे की रॉड पे रॉड का सेंटर बना करके लगाना है, और इसे हल्के हल्के पुश करके निकाल लेना, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर ना निकले तो फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों, ये तोड़ फोड़ के ही निकाला जाता है। तो अगर इस तरह से निकल जा रहा है तो ज़्यादा बेटर है, वैसे निकल रहा है ये। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब तक कितना निकला। ये देखिए दोस्तों, अब तक इतना निकल चुका है, और अब इसे और अभी प्रेस किया जाएगा कि ये पूरी तरह से निकल जाए। और जब पूरा ऊपर आ जाता है दोस्तों, एक आख इम्पेलर बचे हों तो इसे थोड़ा संभाल करके ही निकालना चाहिए, नहीं तो वो हाथ से छूट जाता है और पैर पे आपके आकर के चोट चपेट भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ही काम किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे साथ भी वही हुआ, इतना संभालने के बावजूद भी वो सरक करके गिर ही गया। तो इसके बोल्ट को ऐसे खोल लिया जाएगा दोस्तों, और इसके बोल्ट को खोलने के बाद फिर इसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक पंखी इसकी निकाली जाएगी। इसमें ठस प्लेट वगैरह इसके लगे हुए हैं, इसकी चाबी लगी हुई थी जो कि स्लिप को लॉक करती है कि स्लिप मिस न करे। और देख सकते हैं आप इंपेलर के हाल क्या हो गए हैं, और ये बाउल का भी हाल पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इंपेलर और बाउल आपस में कुछ चिपक भी गए हैं, तो पंप तो पूरी तरह से एकदम डैमेज हो चुकी है। तो रॉड भी ख़राब है, तो मैं इसे अलग भी नहीं करूँगा, इसी तरह इसको छोड़ देता हूँ, और पूरा सेट मुझे नया लगाना है, तो मैं पूरा सेटिंग नया करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों इसमें 10 पंखी लगी हुई है, और मैं भी वही लगाऊंगा। तो अब पंप को फिटिंग किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंप को मोटर पे पहले कनेक्टिंग को कनेक्ट कर लिया गया है, और ये इसकी इनलेट सेक्शन है, और इसमें रबड़ लोहे का जो बूस मैंने बताया तो वो मैंने डाल दिया है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो पहले इस पर इनलेट इस तरह से रख करके सेट कर लेना है, और इनलेट सेट करने के बाद एक एक इंपेलर को सेटिंग करते हुए
बिठा देना। अगर वाशर की ज़रूरत हो तो सेटिंग वाशर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो इसको इस तरह से रॉड में, इसको इस तरह से रॉड में लगाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े आराम से पंखी की सेटिंग हो जाती है। कुछ पंखी रॉड में टाइट होती है, नहीं तो नॉर्मली सब अच्छे से फिट हो जाती है। और ये इसका बाउल है, तो एक एक पंखी लगाते जाइए दोस्तों और एक एक बॉल बैठाते जाइए। तो इस तरह से एक एक पंखी और एक एक बाउल, और ये ट्रांसपेरेंट बाउल है तो आपको पंखी साफ घूमते हुए नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर पंखी घूम रही है। तो दोस्तों इसी तरह से ये पंखी इसमें फिट होती है और पंखी मूव करती है। तो इसमें 10 पंखी लगी है। एक पंखी की कैपेसिटी लगभग दोस्तों 15 से 20 फुट की होती है, कम से कम 15 फुट तो वो पानी एक पंखी देता ही देता है। तो इसी तरह से इसमें 10 पंखी लगी होती है, तो आप जोड़ सकते हैं कि लगभग 150 फीट पानी बड़े आराम से पंप देगा। तो इस तरह से देखिए, एक एक पंखी और एक एक बाउल को लगाया जा रहा है। और जब इसके पूरे बाउल वगैरह पंखी लग जाएंगे तो फिर इस पर स्लिप और बूस्ट टॉप लगाया जाएगा, जो कि नीचे एक सपोर्ट के लिए हो गया। और कुछ पंप में नीचे सपोर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट मोटर के सपोर्ट से ही चलता है, और ऊपर एक बूस लगी होती है। इसमें 2 बूस लगी हुई है, एक मोटर पंप के नीचे और एक पंप के ऊपर। कुछ पंपों में सिर्फ एक ही बूस होती है, सिर्फ ऊपर साइड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नीचे तो मोटर है ही, वो भी बैरिंग पे। और अगर बैरिंग ख़राब होगा तो पंखी तो ख़राब होनी ही हो, चाहे वो डबल बूस की पंप हो या सिंगल बूस की पंप पे भी असर पड़ जाता है अगर बैरिंग ख़राब हुई तो। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये दोस्तों 9 लग गए। अब इस पे एक डुअल लगेगा, जो कि बूस्ट टॉप और पंखी के साथ ही कंप्लीट होता है, वही इस पे लग जाएगा। तो वो भी एक पंखी का ही काम करता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पंखी ही होता है। पंखी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसे मैं फिट भी कर दिया हूँ और आपको दिखा भी नहीं पाया। तो ये ब्लू कलर का, ये देखिए दोस्तों, ऊपर से दिखा दे रहा हूँ मैं आपको इसमें एक, और ये पंप कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये मेरा पंप टेस्टिंग का इंतजाम है, ये मेरी पाइप पड़ी हुई है, पानी जिसमें भरा रहता है, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ और इसका प्रेशर वगैरह कितना बना मैं उसको भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते, जानते हैं कि जैसे मोटर को चलाया जाता है बिना पैनल के, सिर्फ कंडेंसर से, उस तरह से मैंने कंडेंसर वगैरह लगा दिए हैं और मीटर भी लगा रखा है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये कितना एम्पियर अब ले रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी भरपूर आ रहा है, और मैं आपको एम्पियर भी दिखाता हूँ कितनी एम्पियर है। इस समय दोस्तों 7.9, यानी कि 7 एम्पियर ये करंट खा रहा है। नॉर्मली समरसेबल 7 एम्पियर 8 एम्पियर सारे खाते हैं। और प्रेशर मीटर कब बताएगा दोस्तों, जब मोटर पे लोड पड़ता है। तो मोटर पे लोड डालने के लिए मैं इसके मुंह को बंद करूँगा, तब मोटर पे लोड पड़ेगा, क्योंकि बिना लोड पड़े नहीं चेक हो पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मुँह को बंद किया है, तो ये प्रेशर बता रहा है, जो कि 10 पंखी की पंप की इतनी प्रेशर होती है। और एम्पियर भी थोड़ा सा 19 होता है, 20 नहीं होना चाहिए, एम्पियर बढ़ना नहीं चाहिए। पानी देता है जितना, उससे एम्पियर नहीं बढ़ना चाहिए। तो एम्पियर भी परफेक्ट ही ले रहा है और पंप एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो इसकी बैरिंग को भी चेंज कर दिया गया और पंखी वगैरह भी चेंज हो गए। और पानी देखिए कितना स्मूथली, इतना मस्त पानी दे रहा है कि तबीयत खुश हो जा रहा है दोस्तों। वाह, क्या प्रेशर है पानी का। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा कि मैंने समरसेबल की बैरिंग वगैरह भी बदली मोटर की, और उसकी पंप की भी फिटिंग करके दिखाया, जो कि वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया था। तो आज मैं उसकी टेस्टिंग भी आपको करके दिखा दिया हूँ। पानी भी भरपूर मस्त आ रहा है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक और कमेंट करके मुझे बताएँ भी दोस्तों कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये मेहनत करना आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Thank you.